हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सेजवान चटनी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली हैं कुछ लाल मिर्चियाँ, ये 100 ग्राम के करीब हैं। इनका मैंने बीज अलग कर लिया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। देखिए, मैंने इनको अच्छे से इसके बीज को झाड़ लिया है। अब इसमें मैं खौलता हुआ पानी डालूँगी। मैंने सिर्फ इतना ही पानी डाला है जिससे कि ये मिर्चियाँ अच्छे से भीग जाएं। देखिए, स्पून के हेल्प से मैं थोड़ा सा दबा दूँगी जिससे कि ये अच्छे से एक बराबर से भीग जाएँ। अब इस पर मैं लिड लगा दूंगी और 4 से 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। देखिए, 4 से 5 मिनट हो गया है, अब मैंने लिड हटा दिया है। देखिए, ये कुछ फूल गई हैं, उसको अच्छे से मिला लिया है मैंने एक बराबर से। अब एक कढ़ाई लिया है, इसमें 2 ग्लास के करीब पानी डाला है और इसमें ये मिर्चियाँ डाल दूँगी और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से देखिए मिक्स कर लिया है और इस पर अब लिड लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि इसमें अच्छा बॉईल आ जाए और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाए, तो अच्छा सा बारीक पेस्ट बन के तैयार हो जाए। अब हम इन सभी मिर्चियों को एक बाउल में निकाल लेंगे और जो पानी था जिसमें हमने मिर्चियों को बॉईल किया था उसे दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। इस पानी को हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम एक जार लेंगे, उसमें सभी मिर्चियों को डाल देंगे और थोड़ा सा आइस डाल देंगे क्योंकि ये मिर्चियाँ बहुत गर्म हैं, इसलिए अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसका बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है हमें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और उसमें 1 कप गार्लिक डाल देंगे। इसको मैंने बारीक काट लिया है और इसको अब हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें हम जिंजर डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मुझे जिंजर का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने कम लिया है। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें हम ओनियन डाल देंगे, प्याज। यहाँ पे मैंने 2 कप प्याज लिया है, इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम हरी धनिया के कुछ डंठल डालेंगे। वैसे तो इसमें सेलरी पड़ती है पर मुझे सेलरी मिली नहीं इसलिए मैं इसमें ये डाल रही हूँ। इसको भी डाल के अच्छे से भून लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ इतना ही पकाना है कि सब्जियाँ अच्छे से पक जाएं, इनमें कच्चापन ना रहे। देखिए, इसको थोड़ी देर चलाएंगे जिससे कि ये एक बराबर से पक जाए। अब इसमें हम जो पेस्ट तैयार किए थे वो डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब ब्लेंडर में जो पानी हमने पहले बचा के रखा था मिर्चे का, वो डाल के थोड़ा सा चला लेंगे। ये देखिए, मिर्चियाँ भून गई हैं, ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे उस पानी को और थोड़े देर और पकाएंगे अच्छे से। अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे
वरना इस चटनी का कलर चेंज हो जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज़ किया है, क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो हमें स्टोर करने में प्रॉब्लम होती है। अब इसमें मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून नमक डालूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे, चीनी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर डालने से इसका टेस्ट थोड़ा बैलेंस हो जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा तीखा नहीं लगता है। अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे, जिससे कि हमारी चटनी हम काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। इसे लगभग 1 से 1.25 महीने तक हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से पका लेंगे। देखिए हमारी चटनी बनके तैयार है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू।